इस अवसर पे मांग करना चाहते हैं सरकार से कि अविलंब निगम चुनाव कराए सरकार। ये सरकार डर रही है, भाग रही है, बहुत समय हो गया निगम चुनाव पेंडिंग है। जैसे कि पंचायत के चुनाव से सरकार डरती रही, भागती रही और ना चाहते हुए आखिरकार सरकार को कराना पड़ा और भाजपा के सिंबल पे बुरी तरह से लोगों ने जो है भाजपा के कैंडिडेटों को हराने का काम किया। और जैसे कि आपको याद है जिला परिषद में जो जहाँ जहाँ भाजपा के सिंबल दिए थे पूरे प्रदेश के अंदर, वहाँ वहाँ इनका हार का मुंह देखना पड़ा। उसी रूप से आज गुड़गांव निगम का चुनाव और फरीदाबाद निगम, मानेसर निगम, कुशनगर परिषद के चुनाव इसके साथ सिरसा थाने से होने थे, बहुत लंबे समय से ओवरड्यू हो चुके हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आज कोई भुगत रहा है सरकार के चुनाव ना कराने से, तो आम नागरिक, गुड़गांव का नागरिक भुगत रहा है। क्योंकि जो हमारे देश का जो संगठन है, जो प्रशासनिक संगठन, उसमें 3-tier सिस्टम है और जो निगम है उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी शहर के विकास कार्य को आगे लेके जाने के लिए, उसकी शहर की सारी व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से नागरिकों तक पहुंचाने के लिए। तो क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं होनी चाहिए? हम समझ सकते हैं क्यों डर रहे हैं। ये जो आज गुड़गांव का चुनाव नहीं करा रहे, निगमों के चुनाव नहीं करा रहे, ये अपनी हार को देखकर बौखला गए और केवल इसीलिए चुनाव नहीं करा रहे। इस अवसर पे मांग करना चाहते हैं सरकार से कि अविलंब निगम चुनाव कराए सरकार। ये सरकार डर रही है, भाग रही है, बहुत समय हो गया निगम चुनाव पेंडिंग है। जैसे कि पंचायत के चुनाव से सरकार डरती रही, भागती रही और ना चाहते हुए आखिरकार सरकार को कराना पड़ा और भाजपा के सिंबल पे बुरी तरह से लोगों ने जो है भाजपा के कैंडिडेटों को हराने का काम किया। और जैसे कि आपको याद है जिला परिषद में जो जहाँ जहाँ भाजपा के सिंबल दिए थे पूरे प्रदेश के अंदर, वहाँ वहाँ इनका हार का मुंह देखना पड़ा। उसी रूप से आज गुड़गांव निगम का चुनाव और फरीदाबाद निगम, मानेसर निगम, कुशनगर परिषद के चुनाव इसके साथ सिरसा थाने से होने थे, बहुत लंबे समय से ओवरड्यू हो चुके हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आज कोई भुगत रहा है सरकार के चुनाव ना कराने से, तो आम नागरिक, गुड़गांव का नागरिक भुगत रहा है। क्योंकि जो हमारे देश का जो संगठन है, जो प्रशासनिक संगठन, उसमें 3-tier सिस्टम है और जो निगम है उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी शहर के विकास कार्य को आगे लेके जाने के लिए, उसकी शहर की सारी व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से नागरिकों तक पहुंचाने के लिए। तो क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं होनी चाहिए? हम समझ सकते हैं क्यों डर रहे हैं। ये जो आज गुड़गांव का चुनाव नहीं करा रहे, निगमों के चुनाव नहीं करा रहे, ये अपनी हार को देखकर बौखला गए और केवल इसीलिए चुनाव नहीं करा रहे।